हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। मैंने क्या बनाया है तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि रोज बोलती तो हो कि ये बनाया वो बनाया, कभी दिखाती नहीं हो कि क्या बनाया। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाया हुआ है। आप लोग पीछे जाके देखोगे कि हमने क्या बनाया, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों कि कैमरा लेके खड़े हों और शूट करते रहे। जो करते हैं शायद वो बहुत फ्री होते होंगे, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि अकेले हैं, बहुत बर्डन होता है काम का। पूरे टाइम कैमरा लेके नहीं खड़े रह सकते। जैसे कि आज ही आवाज माँ नहीं है, तो मतलब मुझे सुबह से इतना हौच-पौच था, क्योंकि जल्दी से पापा के लिए खाना भी बनाना है। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जी रोटी बन रही है, वैरायटी है, सारे वैरायटी वाला खाना बना हुआ है सब कुछ। अभी आपको दिखाऊंगी भी कि आज मैंने क्या बनाया है, तो वो चीज मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, बनाते हुए शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पा रहा था कि नीचे जाके कैमरा रखूं, तो मैं कैमरे में ही लगी रहती और खाना इतनी जल्दी नहीं बन पाता। फिर पापा को भूख लग जाती। क्या होता है कि मम्मी जब होती है ना, तो सच बताऊं बहुत बहुत हेल्प होती है मम्मी की। मतलब ये बोलना चाहिए कि 60% मम्मी कर लेती हूँ, 40% मुझे करना होता है, ये होता है। लेकिन अभी फिलहाल मम्मी नहीं है, मम्मी गई है बाहर, तो पूरा मतलब ये बोलना चाहिए पूरा 100% का रेशो मेरा ही है काम करने का। और ऐसा नहीं, आज पापा ने भी टचबुट बहुत हेल्प करी है। मेरे पापा को कहीं नजर ना लगे, मेरे पापा भी मेरी इतनी हेल्प करते हैं। मम्मी तो करती ही करती है, पापा भी करते हैं। आज मैं जैसे सुबह जिम गई थी दोस्तों, जिम से आई, आज मिष्टी की तो छुट्टी थी, तो फिर मिष्टी को रात को मैंने पढ़ाया था, क्योंकि उसके पेपर शुरू होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम उनका ऐसे वन है ना, तो उसको पढ़ाना भी पड़ता है। तो सुबह मैं जिम गई उठ के, और फटाक से मैं आई, सब्जी लेने गई, फिर सब्जी लेकर आई, फिर जूस लिया अपना, प्रोटीन पिया। इसके बाद मैंने फटाफट नहाया, फिर खाना बनाया। तो पापा ने क्या किया, फटाफट मेरे नहाने, जब मैं नहाने गई ना, तो उस टाइम पे पापा ने सारी सब्जियां चॉप करके रख दी कि ये आती होगी तो ये जल्दी जल्दी सब्जियां बना लेगी। मतलब यार सच में, जबकि पापा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा हैं 79 ईयर के, है ना, और मेरी मम्मी है 70 ईयर्स की। तो दोनों में आज भी टचवुड बहुत फुर्ती है, दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से मुझे सहारा देते हैं, और भगवान ऐसे ही उनका सहारा बना रहे, और ऐसे ही उनकी, मैं तो हमेशा ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं सही बता रही हूँ, और सबके लिए यही होता है, जब तक आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आंख उठा के नहीं देख सकती, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल का वाका नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, यदि पेरेंट्स का साथ आपके साथ है तो। तो मैं सच में बहुत इस चीज में लकी रही हूँ जिंदगी में, भले ही और चीजों में मेरा भाग्य खराब रहा, लेकिन इस चीज में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे साथ खड़े थे, हैं और खड़े रहेंगे। बस भगवान से प्रार्थना करो आप लोग कि उनकी उम्र अच्छी खासी हो, मेरी बच्चियां अच्छे से सब कुछ हो जाए भगवान, क्योंकि मेरा पूरा कच्चा कुड़वाड़ा है, ये हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कि सब कुछ कच्चा है, अभी मेरा कुछ भी नहीं है। बच्चियां छोटी छोटी हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उनके मुकाम तक पहुंचाना है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा है। और इसी सब हावड़ तोड़ में मैं लगी रहती हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता है। और जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि कुछ आप दिखाती नहीं हो, तो चलिए पहले आप देख लीजिए वो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पूरी दिन भर की डाइट, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, आज आप लोग सब देख लीजिए, ठीक है? तो हाँ जी दोस्तों, सुबह का नाश्ता मेरा क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग। ब्रेकफास्ट में मैं कुकुम्बर, एप्पल, अनार, और सुबह पिया था मैंने जूस, और साथ में लिया था प्रोटीन, क्योंकि जिम गई थी तो जिम के आने का तुरंत प्रोटीन। तो लंच में मैं क्या खा रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, दाल है तड़के वाली, थोड़ा सा पुलाव है सोया बड़ी का, लौकी की सब्जी है, मिर्च है फ्राई, आलू मेथी की सब्जी है, आंवले की चटनी है, और ये आधी रोटी और ये एक रोटी, आप देख लीजिए। मैं इतना ही डेढ़ रोटी खाती हूँ सिर्फ लंच में, क्योंकि मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, अब खाना ज्यादा नहीं खाया जाएगा। और शाम को मैं सिंपल सा या तो लौकी खा लूंगी ऐसी सूखी,
या कोई भी सब्जी रखी होगी बस उसको सूखी खाऊंगी, साथ में आधी रोटी खाऊंगी, तो ये मेरी डाइट है। तो आप लोग भी यदि यही डाइट को फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग वेल मेंटेन हो जाओगे, आपके ऊपर फैट्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी, और प्रॉपर जिमिंग करो, प्रॉपर वर्कआउट करो, तो लेडीज के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जेंट्स के लिए भी है यार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का खाना देखने? हालांकि मैंने वो रील डाली है, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है, क्योंकि वहां भी मैं अपना डेली रूटीन अधिकतर शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता, रूटीन में तो नहीं है कि मैं रूटीन में शेयर कर पाऊं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूं, ये है, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दोस्तों बस अब मिष्टी अभी नहा रही हूँ, मैं अपने काम करने बैठूंगी, बहुत सारे काम है, फिर 4 बजे से क्लास है, तो शायद कंटिन्यूसली मतलब मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा अभी बीच में, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे के उठे रहते हैं, और अभी मिष्टी की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करना हो रहा है, और मिष्टी की अभी नहाने गई हुई है मिष्टी, देखती हूँ मैं, मैंने मिष्टी को खाना तो खिला दिया था दोस्तों, अभी देखो टीवी चल रही है और मिष्टी वॉशरूम में है, मिष्टी के दरवाजा मैं वहां कैमरा लेके नहीं आ रही हूँ, और यहाँ पर देखो ये इतना सारा काम अभी मेरे लिए पड़ा हुआ है, ये सारे कपड़े मैंने कल वॉश करे थे, तो मुझे अभी घड़ी करके भी रखना हुआ है, और ये कमरा मतलब ये है कि पूरा दिन निकल जाता है, सच में इतना काम वर्कलोड इतना है कि बता नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों अभी तो मैं करूंगी काम, और कुछ लोगों को मुझे ये संदेश देना है कि जलते रहो और हम जलाते रहेंगे, बस इतना बोलेंगे, और जिसके लिए बोल रहे हैं तो वो शायद समझ जाएंगी कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग जबरदस्ती के जल रहे हैं, जबरदस्ती की इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, कुछ भी नहीं कर सकती, है ना, मैं सिर्फ हमेशा सबके लिए मैंने अच्छा सोचा है और सबके लिए हमेशा अच्छा सोचूंगी, मैं अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच सकती, और बींग ए लेडी मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बालाजी सरकार से बहुत डर लगता है ना, क्योंकि वो ही मेरे तारणहार है, मतलब ये बोलना चाहिए, वो ही मेरे लिए सब कुछ सारा चीज करके दे रहा है, सब कुछ कैसे हो जाता है मुझे भी पता नहीं चलता है, सब कुछ इजी गोइंग, धीरे 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 सब हो रहा है, और भगवान बस ऐसे ही कृपा बनाए रखो, बाकी मैं कभी नहीं चाहती, ना इंटेंशनली मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है और ना मैं कभी दुखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सच बताऊं ना मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये आप लोगों ने खुद देखा है, पूरे ब्लॉग्स में आप लोग देखते हो, कई बार मुझे बोलते बोलते रोना आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हो मेरी मनोस्थिति यार क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं और मुझ पे फालतू के इल्जाम लगाते हैं ऐसा वैसा, लेकिन अब ठीक है खुल के कुछ चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बस इतना बोलेंगे कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं फील करो, मैं अपने घर में मस्त हूँ और अच्छे से रह रही हूँ, बहुत इज्जत से रह रही हूँ, सीधी बात है ना। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, और आज का फूड कैसा लगा जरूर जरूर बताना, और आप लोगों ने क्या पकाया किचन में वो भी जरूर लिखना, ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।